सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारान की चोटी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर साल बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। कुरान पाक रब का जजमेंट हो गया, टकराया जो वली से उसका एक्सीडेंट हो गया। और हिंदुस्तान के तख्त पर विलायत का ताजदार खाजा पिया हमारा परमानेंट हो गया। खाजा पिया हमारा परमानेंट हो गया। माशाल्लाह, बड़े अच्छे मोहब्बत के साथ, बड़े अच्छे लहजे के साथ, और आपकी अच्छी समातों के हवाले कारी मेहताब साहब किबला बड़े अच्छे अच्छे असार समात पेश फरमा रहे थे या समात करे कह रहे थे कि शहरे तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। अरे रोज कहती है मदीने में, देखिए मौलाना गुलजार माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कह दिए मोहब्बत से एक मरतबा के सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, ए फरान की चोटी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर साल बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अजमेर की धरती का सुल्तान जब तुम्हें लगे ऐसा, अब दुआ जरूरी है तो फिर दुआओं में आका का वसीला जरूरी है। तुम भटक न जाओ कहीं, इसलिए तुम भटक न जाओ कहीं मुस्तफा की राहों से, इसलिए सुनो लोगों सिलसिला जरूरी है। इसलिए सुनो सुनो सिलसिला जरूरी है। और एक शेर कह रहा हूं, चीख कर मस्जिदे अक्सा तुमसे ये कहती है, फिर से और एक करबला जरूरी है, फिर से हाँ एक और करबला जरूरी है, फिर से एक और करबला। जिसको सल्तनत चाहिए दौलत चाहिए वो ले ले, हमको तो अजमेर का खाजा बादशाह चाहिए, हमको तो सिर्फ अजमेर का बादशाह चाहिए, हमको तो सिर्फ अजमेर का बादशाह। बहुत वक्त नहीं है मेरे अजीजों, तंगिए वक्त दामने गिर है, इसलिए हमारे और आपके सामने सरजमीने गुलबर्गा वो हसीन फिजाओं में रहने वाले हुजूर सैयद ख्वाजा मासूम अली शाह कादरी के रोजे अतर पर वो दिनों रात गुजारने वाली शख्सियत हमारे और आपके सामने मौजूद है। मैं मुल्तमिस हूँ हजरत ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन कादरी सज्जादे नशी ख्वाजा मासूम अली शाह कादरी गुलबर्गा शरीफ, तशरीफ लाए, इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, पहली मर्तबा भिवंडी में आ रहे हैं, लहातों को लहराकर वो देखे यहाँ लोग कैसे इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्ना, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, उर्से गरीब नवा, आले रसूल अशरफुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रसील, हम पे आते हैं मगर वजीरों में गिने जाते हैं, अशरफी गुम्बद के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से डाली है मेरे पीर ने निकाहे रहमत, कांच के टुकड़े थे मगर हीरो में गिने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यदुल्लाहि फौकाइदिहिम, आमनतु बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نادي عليا مظهر العجائب تجد هو اون لك في النمائم كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي يا خطب يا غوث يا ولي روشن ضمير بندام درماندام
जुस्त नदारम दस्तगीर बर दरे दरगाहे वाला साइल मैं आफ्ताब खातिर नशाद राकुन शाद या पीरान पीर बगिरदाब बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ खा जाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कार कुशा कार साजे खा जाए गेसु दराज मालिके गंजे अली वारिसे शाह हिजाज अजब जद्दैन या इमाम जैद ज़ैनुल आबिदीन कुन मदद जाने नसीर रहम या बंदा नमाज खा जाए गेसु दराज कुन मदद या सईदी सईदना हामिद अशरफ अशरफुल उलमा रहिमहुल्लाह एक सजदे की इजाजत दीजिए बंदा नमाज एक सजदे की इजाजत दीजिए बंदा नमाज सर झुकाकर सारी दुनिया को झुका सकता हूं मैं सर झुकाकर सारी दुनिया को झुका सकता हूं मैं तुझसे इतनी बढ़ गई है निस्बते वारफ्तगे तुझसे इतनी बढ़ गई है निस्बते वारफ्तगी जिसको चाहूं तेरा दीवाना बना सकता हूं मैं जिसको चाहूं तात पे नाज है ना इबादत पे नाज है नाज करने वाले इबादत जन्नत से बाहर आ गए और खयामत तक के लिए मर्दूद और मलऊन हो गया ताद पे नाज है ना इबादत पे नाज है मुझको तो मेरे पीर की निस्बत पे नाज है औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है आईना बनकर उसके मुकाबिल जब आता हूं मैं आईना बनकर उसके मुकाबिल जब आता हूं मैं बंदगी में भी खुदाई की झलक पाता हूं मैं बंदगी में भी यार तेरा है आधे सारे मुरीद आने बनना कमाल के मुरीद बनना दुनिया इधर से उधर आपको करिश्मे दिखाने लगी नजर उठा के नहीं देखना एक सूरत पे नजर टिकाए हो अशरफुल उलमा पर नजर जमाए हो गौर से देख लो उसी सूरत में कसम खुदा की खुदा भी नजर आएगा रसूल भी नजर आएगा भटकना नहीं क्या करना हाथ में हाथ दिए हैं तो हाथ नहीं देना अब हाथ में हाथ दिए हैं तो दिल दे देना हाथ में हाथ दिए हैं तो क्या देना है अब दिल देना है न जाने कैसे वक्त वो दिल में निगाह उतर गई खुश नसीब है आप हजरात वो निगाहों से निगाह मिलाए हैं हमारा बचपना था गुलबर्गा शरीफ में हजरत क़िबला का बहुत नाम सुनने को आता था हमको और हम बिन देखे उनके आशिक हो गए थे हमारे पढ़ने के ज़माने में गुलबर्गा शरीफ में हमारे शहर में हजरत का जहां भी चर्चा होता है ये नाम से चर्चा होता है कि बड़े बड़े नूरानी चेहरे वाले थे ऐसा चेहरा था अशरफुल उलमा को जो देखता उसके दिल से दुनिया निकल जाती और वो मस्त हो जाता बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे वाह वाह क्या हो हाथ दे हैं दिल दे दो हाथ दे के दिल कहीं दूसरी तरफ लगा दिए तो बरोजे महशर जवाब देना पड़ेगा बरोजे महशर जवाब देना पड़ेगा हाथ दिए दिल भी पेश कर दो क्या पेश करें तुमको क्या पेश करें तुमको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है ये दिल भी तुम्हारा नारे तकबीर
नारे रिसाला हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब किबला उर्से हुजूर अशरफुल उलमा फैजान मखदूम सिमना फैजान हुजूर अशरफुल उलमा। यार तेरा है, किसी हाल में अपने यार को छोड़ना नहीं, किसी हाल में। हजरत बंदा नमाज ने फरमाया तसव्वुर शेख रुकन आजम है, तरीकत के मैदान में मुर्शिदी के मैदान में तसव्वुर शेख पीर का तसव्वुर रुकन आजम है, क्योंकि जिसको पीर का तसव्वुर जम गया उसे कौनैन की नेमत मिल गई, उसे दो जहां की नेमत मिल गई। यार तेरा है, यार तेरा है तो फिर तेरी है सारी कायनात। यार तेरा है तो फिर तेरी है सारी कायनात। सबको अपना करने वाले, सबको अपना करने वाले, उसको अपना करके देख, उसको अपना। अर्जे मतलब करके देखा, हजरत दुकान नहीं चल रही, हजरत रिश्ते नहीं हो रहे, हजरत कारोबार नहीं हो रहे, ये भी कोई सवाल है? पीर क्या गए हाथों में हाथ इसलिए दिए हैं ताकि आपके हाथों में दुनिया टिकना नहीं, हाथों में हाथ आपने इसलिए नहीं दिया ताकि आपकी दुनिया चमक जाए, हाथों में हाथ आपने इसलिए दिया है ताकि आपका दिल रोशन हो जाए, आपका दिल उस हदीस के मिस्ताक हो जाए, आपका दिल उस हदीस के मुताबिक हो जाए जिसके मुतालिक आखा ने पेशनगोई फरमाए मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। इस नीयत से मुर्शिद से निस्बत कायम कर लो, खबर में मुर्दे बन के नहीं, कफन में मुर्दे बन के नहीं, तवज्जो दुल्हे बन के जाओगे। दुकान चलने के लिए मुरीद होते हो, इरादा नाकिस। घर बनाने के लिए मुरीद होते हो, इरादा नाकिस, तो तुम्हारी मुरीदी भी नाकिस और उसका फायद आपको मिलने वाला नहीं है। बोले हुजूर नफ्स को रोशन कर दीजिए, उसके मकर से हमको आगाह फरमा दीजिए। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुलहिमा, नफ्स मुतमाइना, कौन सा है नफ्स आपके पास? नौजवानों आप लोग बैठो भाई, ऐसा मत करो, बैठो, हमारे गुलबर्गा में मिजाज नहीं है। जो भी है आप दुआएं नमाज से जाओ वहां से, मुझे उम्मीद है यहाँ पे अशरफुल उलमा मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है, यकीन है यहाँ पे हुजूर अशरफुल उलमा मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक है। याद रख लो, दुनिया के खातिर कोई अपने पीर से राबता ना करे, बल्कि वो खुद दुनिया को ठोकर मार के बैठे हैं। अगर कोई दुनिया का सवाल लेके आए तो वो भी सोचेगा, बोले मैं जिसको ठोकर मार के बैठा हूं मेरा मुरीद बन के मुझसे वही मांग रहा है। मांगना है नफ्स की पाकीज़गी, मांग मांगना है। चार जो नफूस तुझ में मौजूद हैं उसका जो मुकल मकबूलियत मांग, तेरे अंदर खूबी पैदा हो जाए वो मांग। ये क्या मांगते बेटा, भिखारी है? बोले हुजूर नमाज दो। अरे हुजूर अगर नमाज दें तो कमाल की तेरी आखिरत हो जाएगी, कमाल की तेरी इबादतें हो जाएगी, तेरा ताल्लुक माल्ला हो जाएगा, लिल्ला बिल्ला मिनल्ला इलल्ला यदुल्ला फिल्ला, ये बन जा। क्या दुनिया दुनिया? अरे कितने दिन की दुनिया? यदुल्ला ही फौकादिम, हमने जो आयत पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, उसका मैं तर्जुमा ऐसा कर देता हूं, तुम्हारे हाथों में पीर का हाथ नहीं अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह ही फौकादिहिम, उनके हाथों में आए है। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, इसलिए दिए हैं यदुल्लाह फौकादिहिम, इनके हाथों में अल्लाह का हाथ है। नजर से नजर को नजर हो गई। हदीस मुबारक, इंसान हदीस मुबारक
रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं? नजरे बद, कौन सी नजर? बुरी नजर। इंसान को, ऊंट को देख में और इंसान को खबर में पहुंचा देती है। कौन सी नजर? बुरी नजर। दोनों पांव में तागा भर लेके फिरो, बोले नजर ना लगे। नहीं, जिस पर पीर की नजर टिक जाती है उस पे नजर जब टिक जाती है, कोई नहीं जपता है नजर में। उस पे नजर जब टिक जाती है, जम जाती है, कोई नहीं जसता है नजर में, नूर के सांचे में खालिक ने ऐसा उसे कुछ ढाला है। नूर के सांचे में खालिक ने, नूर के सांचे में देख लो ये चेहरे कैसे नूरानी है। देखत देखत ऐसा देख, देखत देखत ऐसा देख, देखत देखत ऐसा देख, छुट जाए दुई रह जाए एक, ऐसा कमाल पैदा कर। तेरा चेहरा देखने वाले ये कहे ये हुजूर अशरफुल उलमा का गुलाम है। कहीं से भी तुझमें वो बात दुनिया की ना आए, खानकाहियत रूहानियत सिलसिलों की वो बात इस बात की दलालत करती है कि दिलों से दुनिया खारिज हो गई है। सड़ने गलने वाली चीज से राबिता नहीं। क्या कह रहे हैं? न जाने कैसे वक्त वो दिल में निगाह उतर गई। क्या नजर है जी? क्या कहा हदीसे मुबारक में? मैंने कहा इंसान को खबर में और ऊंट को देख में, ये बुरी नजर की बात है। उन अहले इल्म लोगों को जो अपने आप को इल्म वाले कहते हैं उनसे कहो, बोले बुरी नजर में ताकत है। आपने हदीस तो सुना दिया, बोले बुरी नजर में ताकत है। तो क्या तुम इतने बुरे लोग हो खाली बुरी नजर पर ईमान रखते हो? खाली बुरी नजर पर ईमान है तुम्हारा? अरे हमारा ताल्लुक सिर्फ बुरी नजर से नहीं है, हमारा ताल्लुक उस नजर से है जिनकी नजर से शैतान भी घबरा जाता है। हमारा ताल्लुक उस नजर से है जिसकी नजर में नूरे मुस्तफा नजर आता है। हमारा ताल्लुक उस घराने से है जिनके चेहरे देखते हैं तो खातून जन्नत का दूध याद आ जाता है। हमारा ताल्लुक उस मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की नस्ल पाक से है जिनके चेहरे देखें तो मुश्किलों को परेशानी आ जाती है। न जाने कैसे वक्त दिल में वो निगाह उतर गई, न जाने कैसे वक्त दिल में वो निगाह उतर गई, हयात जैसी चीज सिर्फ याद में गुजर गई। हयात जैसी चीज ना उन पे इख्तियार है ना शौक को करार है, ना उन पे इख्तियार है ना शौक को करार है। अजीब मोड़ पे हमारी जिंदगी ठहर गई। नजर का जो मामला है न जाने कैसे वक्त दिल में वो निगाह उतर गई, हयात जैसी चीज सिर्फ याद में गुजर गई, ना उन पे इख्तियार है ना शौक को करार है। अजीब मोड़ पे हमारी जिंदगी ठहर गई। बुरी नजर देख में पहुंचाती है ऊंट को, बुरी नजर इंसान को खबर में पहुंचाती है। हदीस मुबारक है, जरा तवज्जो दो। वो लोग जो पीरों की नजर का इनकार करते हैं, वो लोग जो अपने जमीरों को मुर्दा कर चुके हैं, बोलते हैं इनकी नजर से क्या होता है? बोले बुरी नजर से होता, बुरी नजर से होता। हदीस बता रहे ना आप, कहां पढ़े किधर पढ़े आप? बुरी नजर से जब बुरा हो सकता है, रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरी नजर। माजरत चाहता हूं हुजूर, आवाज दराज कर रहा हूं। हमारे वालिद बुजुर्ग पीर मुर्शिद क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शहजादगान जब सामने होते हैं तो पूरा अदब अदब का पासो लिहाज पूरा रखा जाए। क्योंकि बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, नजर की बात। इनकी निगाहों को देखो, इनकी निगाहों ने इनके वालिद मोहतरम
अशरफुल उलमा को देखा है? अशरफुल उलमा की निगाहों को देखो, उनकी निगाह ने उनके वालिद मोहतरम रहिमहुल्लाह की नजर को देखा है, उनकी निगाहों को देखो हुजूर आला हजरत अशरफ मियां रहिमहुल्लाह। अब यह सिलसिला चलता रहा, हजरत सईदना अब्दुल रज़ाक नूरुल आइन रहमतुल्लाह अलैह तक। फिर उनकी निगाहों को देखो, उनकी निगाहों ने सईदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनान रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों को देखा। अब उनकी निगाहों को देखो हुजूर अलाउल हक पंडवी अलैह रहमा की निगाहों को। फिर उनकी निगाहों को, यह सिलसिला चलता रहा, हजरत निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल मशाइख की बारगाह में, उनकी निगाहों को देखो बाबा फरीद गंज शकर, उनकी निगाहों को देखो। ये चलता रहा मौलाए कायनात तक। फिर मौलाए कायनात ने इनकी निगाहों से निगाहें मिला दिया। निगाह बजाहिर आपने इनकी आंखों को देखा, हकीकत में आपने किसको देखा? बजाहिर आपने इनकी आंखों को देखा, इनकी आंखों में यकीन अकीदत मोहब्बत पैदा करो। मैंने कहा सूरत शेख में सूरत रसूल नजर आएगी। सूरत शेख में कहते हैं फना फिर शेख, पहले पीर में फना हो जाओ, पहले पीर में फना हो जाओ, फिर फना फिल्ला फना फिर रसूल का मकाम आता है। जब फना फिर रसूल हो जाओगे तो इसी चेहरे में मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले। तू आईना है मेरा, तेरा आईना हूं मैं, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले। ये अपनी हस्ती को याद इलाही में, खुदाए पाक अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इस तरह गर्क कर देते हैं। हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मुट्ठी नमक पानी में डाल दो, घुल गया। नमक किसको कहोगे, पानी किसको कहोगे? ये पीराने उज़्ज़ाम, ये पीराने कामिल दुनिया को ठोकर मारकर खुर्बे खुदाबंदी को इख्तियार करके नायब रसूल बन गए हैं। अब इनकी निगाह में वो कुव्वत वो तासीर है। बुरी नजर अगर खबर में पहुंचाती है तो इनकी नजर अरे खबीस, बुरी नजर पर तेरा ईमान है, नबी की आल पर तेरा ईमान नहीं, बद नजर पर तेरा ईमान है, बुरी नजर पर तेरा ईमान है, शहजादा गौसे आजम पर तेरी नजर नहीं। तू बता कौन सा दारुलूम में पढ़कर अपने ईमान को बंद कर दिया है? तू कहां से पढ़कर चार हुरूफ पढ़ के अपने आप को पढ़ा लिखा समझा मियां, नजर तो मिला, गुलामी तो कर, तेरा बेड़ा दोनों जहां में पार हो जाएगा। गुलामी कर तेरा बेड़ा दोनों जहां में पार हो जाएगा। अगर ये अली के शहजादों के दामन से दूर रहा, इल्म का फखर किया, गुफ्तगू में माहिर हुआ, चार हुरूफ को हेर पेत के साथ बात करने लगा, हदीस और कुरान की बात करने लगा और ये बात बताने लगा कि खातून ने जन्नत को रसूलुल्लाह ने फरमाया था, बेटे फातिमा फखर ना करना कि तुम मेरी बेटी हो, अगर ऐसी हदीसें बयान करने लगा कसम खुदा की ऐसे इंसान को आप मुसलमान ना समझो, दूर हट जाओ इससे, क्योंकि ये रूप बदल कर भेष बदल कर तुम्हारे ईमान को खाने के लिए आया है, तुम्हारे ईमान को खाने के लिए आया, तुम्हें तबाह करने के लिए आया है, दूर रहो। जब बुरी नजर
से जिंदगी सत्यानाश हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, मौत वाकई हो जाती है, पूरी जिंदगी आपकी खराब हो सकती है, तो ये शहजादों की नजर से आपका क्या हाल होगा। ये दुल्लाही फौकायद है। मैंने जो खुतबे में आयत करीमा पढ़ने की तिलावत करने की सआदत हासिल की है, क्या है वो? उनके हाथों में, अरे याद रख लो अच्छी तरीके से, ये इतनी सी बात खाली, उनके हाथों में अल्लाह का हाथ है। मैं मोटी मोटी बातें बोल रहा हूं हुजूर, लफ्जी तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। उनके हाथों पर, आप किसके हाथ में हाथ दिए हैं? हाथ उठाई, कितने लोग हाथों में हाथ दिए हैं? जो बाकी हैं उनको भी हाथों में हाथ देना है आज इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का घर हो, नबी की आल हो, अल्लाह का घर हो, नबी की आल हो, और मुझ जैसा खादिम कुछ बोल रहा हो तो मेरा तो बेड़ा पक्का पार है। हम मोहब्बत और अकीदत के लोग हैं। अल्लाह का घर हो, खातूने जन्नत के शहजादे हों। किस चीज को लेके इतरा रहे मियां? कौन सी चीज आ गई तो इतरा रहे हैं आप? इतरा रहे, समझते ना? इतराना सीना चौड़ा करना। गुफ्तगू सीख लिए, माहिर हो गया, शुरू कर दिए। बोले वहां क्या मिलता? उन्होंने साल में एक बार आते मिलने के लिए, वहां मुरीद बने तो क्या मिलता? मैं 14 साल का था, हुजूर शेखुल इस्लाम के हाथ पे बैत किया। कितने साल का? 14 साल का था। वो सिलसिले की बरकत, वो सिलसिले की निस्बत, मखदूम जहां का फैजान ऐसा अता होने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस जुबान में अल्लाह ने कुव्वत और तासीर रख दी। क्या कुव्वत, क्या तासीर? बोले मेरे शहजादों का चर्चा बयान करते जाओ, चर्चा बयान करते जाओ, चर्चा बयान करते जाओ, बल्कि यही तुम्हारे लिए नजात का जरिया बन जाए। अल्लाह का घर हो, नबी की आल हो, अली के शहजादे हो, फातिमा का दूध हो। अभी सोच रहे हो? साल में एक बार मिलते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, मैं सुना यहां पे आने के बाद। बोले वो ऐसा ऐसा, अरे दीवाने निगाहें मिला, निगाहें मिला, जरा यकीन अकीदे के साथ इनका जरा झूठा पी ले जरा। कितना सांप का जहर देखे आप? जान लेने के लिए इतना होना क्या? कितना होना? इतना उन्हें तबरुक दे देता आपको, आप खारिज हो जाते दुनिया से। एक मेरे पीर हजरत सैयदना मासूम अली शाह खादरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, बेटे सांप के इतने जहर में तासीर है कि तुम्हारी जान ले सकता है। जो अदना मखलूक है उसमें इतनी कुव्वत है कि तुम्हारी जान ले लेता। गलती से अगर चूहा काटा, आपने देखा नहीं वो चूहा काटा, सो हैबत खा के बैठ गए। बोले क्या होगा कि सांप काटा, सांप काटा, हैबत और खौफ के मारे आधे ठंडे हो जाते। जब एक मामली से जीव जो जमीन पे फिरता है, रेंगता है, उसके इतने से थूक में तासीर है कि जान चली जाती है, इतने से उसके लुआब में इतनी तासीर है। जरा इनका लुआब पीकर तो देखो, जरा इनका लुआब पीकर तो देखो, जूतियों की खाक को उठा के सुरमा तो बना के देखो। कसम खुदा की वो सांप था, सांप जान लेता था। और नफ्स जो है हुजूर, नफ्स जो है वो सांप के मिसल है। इनका जरा सा पी लो, अंदर जो सांप है ना वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, और फिर तुम्हारे अंदर वो खूबी पैदा हो जाएगी। देखने वाला देख के बोलेगा इसका हाथ मामूली हाथ नहीं। बोले क्यों? क्योंकि किसी के हाथों में इसका हाथ गया हुआ है, इसके हाथों में किसी का हाथ गया हुआ। अली के घराने का हर एक बच्चा, अली के घराने का हर एक बच्चा जहां पैदा होता है, अली के घराने का हर एक बच्चा जहां पैदा होता है शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के शहजादे हैं। तुम लाख पढ़ लो बाबा, लाख पढ़ लो, मैं पक्की बात बोल रहा हूं, लाख पढ़ लो आप, लाख पढ़ लीजिए आप, मगर मुकाबले के लिए मत पढ़िए। ये जितने भी लौंडे पढ़ रहे हैं ना, मुकाबले के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मुकाबले के लिए पढ़ोगे, दुनिया भी जाएगी, ईमान भी जाएगा, आखिरत भी जाएगी हाथों से। मुकाबले के लिए ना हुजूर, निस्बत कायम हो जाए, हुजूर निस्बत कायम हो जाए, हुजूर निस्बत कायम हो जाए, इसलिए निस्बत कायम करें। क्या कहा हमने? उनके हाथों में
अल्लाह का हाथ है इंशाअल्लाह ताला। जितने लोग जो बैत नहीं करे हैं, हुजूर की आमद आमद है, इस यकीन के साथ हाथ में हाथ दो कि अल्लाह तेरे घर में तेरे वली के हाथ में हम हाथ दे रहे हैं मौला, हमारी तकदीर तो बदला दे, हमारी तकदीर को बदला दे मौला। तो यकीन जानिए जनाब, आप यहां से उठ के घर जाने से पहले, यहां से उठ के घर जाने से पहले आपकी दिल की दुनिया ऐसी बदल जाएंगी कि आप मस्त जिंदगी गुजारेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। वाह हुजूर, और एक 5 मिनट में इजाजत है, बोलो। दिल तो चाह रहा नहीं सामने बोलने के लिए। क्या होना बोला मैं? आदाब। क्या होना जी बोलो? आदाब होना। आदाब है आप बहुत कुछ है, आदाब अगर नहीं है आग से बना हुआ सत्यानाश हो गया, आग से जो बना था खाक आलूद हो गया, जो खाक से बना था आदाब सीखा जमीन पर अल्लाह का खलीफा बन गया। आदाब है जो कुछ है, हर के पीरो जाते हकरा यक नदीद। कौन बोल रहे हैं? मौली साहब ने। ये मौली साहब बड़े अजीब होते हैं, भेष बदलते रहते, रूप बदलते रहते, जगह बदलते रहते, लेकिन जो मौला बन गए हैं ना उनकी शान अलग है। मौलवी अलग, मौला अलग। क्या कह रहे हैं? मौलाना रूम रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं क्या? हर के पीरो, आपको समझ आ रहा ना, हर के पीरो जाते हकरा यक नदीद। दीवाने ऐसी शख्सियत मिले हैं इनको देखने के बाद, तुझे अल्लाह ने दिखा अभी। जो तू महा महा तलाश कर रहा था, तेरी तलाश अभी खत्म नहीं हुई। नफ्स ने तुझे इतना जकड़ लिया है, दुनिया ने तुझे इतना मसरूफ कर दिया है। हर के पीरो जाते हकरा, वो देखो कितना अदब का मुरीद है, कैसा खड़ा हुआ है। परसों से मैं देख रहा हूं सलीम भाई से, हुजूर अशरफुल उलमा अशरफुल उलमा अशरफुल उलमा वही बोलते जा रहे हैं। इतना दिल खुश होगा, ऐसा ही बता रहा हूं मैं। मुरीदा बने तो ऐसे मुरीदा बनना, मुरीदा बने तो ऐसे मुरीदा बनना। जिंदगी का उतार चढ़ाव कैसा कैसा आया, बदले ने हटे ने कुछ नहीं, बोले हुजूर झिड़क दिए। हाँ आपकी झिड़की मेरे लिए रहमत से कम नहीं है। मैं देख रहा हूँ सलीम भाई की अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, हैं वो दर्जात बुलंद हैं जब तो हुजूर अशरफुल उलमा उनको अपना खादिम बनाए हैं। हर के पीरो, मुझे उन्होंने पकड़ के लाया यहां तक, और हजरत सिबला का नाम सुनते मेरा दिल भी खुश हो गया। चलो जाएंगे बोले भिवंडी को, और आपकी मोहब्बत में आए हुजूर। हर के पीरो जाते हकरा यक नदीद, नए मुरीद ओ नए मुरीद ओ नए मुरीद। इनको देखने के बाद अभी तुझे उन्हें नहीं मिला जिसको तू सजदे में ढूंढ रहा था, मौली साहब किताबा में ढूंढ रहे थे। ये पीर को देख ले, पीर की सूरत को देखना खुदा को, खुदा की सूरत को देखना है। अल इंसानो सिर्री, इंसान मेरा राज है। ये हदीस किसी पर, ये हदीस खुदूसी है, ये हदीस खुदूसी किसी पर सादिक आती है तो ऐसे नूरानी चेहरों पर आती है। और रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? अल्लाह का वली कौन? अच्छी तकरीर करना, सूट बूट पहन लेना, बड़ा जलसा करना, करोड़ों रुपए यहां से वहां से खैरात मांग के लाके जलसा करके लोगों को माइक में कलमा पढ़ाना, उन्हें वली क्या? समझ रहे ना मैं किसको बोल रहा हूं? जरा जरा बाजू वालों को जी, बाजू वालों को भी जरा जरा बोले तो ना, अरे क्या तू भी हमारे बारे में बोल रहे हैं, बोल के जरा होशियार होके हमारी बातें सुन के फिर ईमान ला लेते। हर नजदीक पे अल्लाह लानत फरमाए, अल्लाह वहाबिया से महफूज रखे और अहले बैत का दीवाना बनाए। क्या कह रहे हैं? अल्लाह का वली कौन? अल्लाह का वली कौन? हदीस मुबारक में है, चेहरा देखते ही अल्लाह याद आ जाए। क्या देखते? वाज नहीं, बयान नहीं, तकरीर नहीं, ऊपर खाला खाला है, दिल में काला काला रहा है तो
खाला रसूलुल्लाह ऊपर, खाला खाला बोल रहा है, खाला खाला बोले समझते ना, खाला खाला ऊपर से क्या है, खाला रसूलुल्लाह, खाला रसूलुल्लाह, मगर दिल में काला काला है, काला काला है। नमाजी बनाने के चक्कर में गुस्ताख बना दे रहा है। बोले एक अल्लाह को पुकारो। कहा है एक अल्लाह आपको मिला? क्या है वो मिला? कहीं सोहबत इख्तियार करो मिल जाता, निगाह से निगाह मिलाओ मिल जाता। मौलाना रूम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, मौलवी हरगिज ना शुद्ध मौलाए रूम, तागुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। अल्लाह करे कि पूरा अधिक आप लोगों को फारसी आती नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह कैसा बोले आप समझे नहीं तो बोले कैसा। अरे आशिकी की जो जुबान होती है ना, वो जुबान नहीं होती है, इशारों पे कैफियत आ जाती है। आशिकों को अरबी इंग्लिश फारसी वो सब बोलने की जरूरत नहीं, निगाह मिले समझ गया। बोले नजर क्या मिल गई सलीम को, वारफ्ता किया तुमने। नजर मिल गई, नजर क्या मिल गई हम तमाम को, वारफ्ता किया तुमने, मैं सदके आंखों आंखों ही में आए है, मैं सदके आंखों आंखों ही में क्या इरशाद कर डाला। आशिकों की जुबान नहीं होती। आलम अरवा में थे ना, अलस्य बिरब्बिकुम खालू बला, उलमाए बैठे हैं, बोले नहीं बोले खालू बला। मौली साहब से ग्रामर पढ़ के गए थे क्या, अरबी के क्या जवाब देना है? आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, दारुलूम में गया नहीं, दुनिया का वजूद है, आलम अरवाह में अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा खालू बला, हाँ आप हमारे रब हैं। वहां बोल कर आए, तवज्जो मौलाना, वहां बोल कर आए, इकरार लेकर आए, हाँ तू हमारा रब है, मगर वो रब की पहचान यहां बड़ी मुश्किल हो गई है, यहां बड़ी मुश्किल हो गई है। अल्लाह रब खदीर ने जो भूले हुए हैं अपने रब को उनके लिए पता बता दिया, ठीक है तुम भूल गए हो जो वादा किए थे, जाओ या लजीना मनु, ऐ मन वालो जो दावा करके आए थे वहां पे बोल के आए थे ना, कुनू मा सादिकीन, ये जो मेरे महबूब हैं, ये जो मेरे अवलिया हैं, इनके करीब हो जाओ। वो पुरानी बातें जो आलम अरवाह में करके आए ना, फिर वो बातें याद आ जाएंगी, फिर वह बातें याद आ जाएंगी, फिर रब से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। माल्ला इल्लाह लिल्ला बिल्ला फिल्ला, मस्त हो गया है वो, न जाने ये कौन सा हुनर रखते हैं, नजर से नजर मिला देते हैं तो असल मीसाक याद दिला देते हैं, असल बात याद दिला देते हैं। हजरत की सुजरात बंदा नमाज रहमतुल्लाह अलैह के पास से आया हूं, और हुजूर सईदना मखदूम अशरफ जहांगीर इस्मिनान अलैह रहमत व रिजवान भी वहां पे दो मर्तबा हाजिर दिए हैं, दो मर्तबा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं थी ये बात, तकरीबन अशरफी सिलसिले में बात मशहूर है, दो मर्तबा आए हैं। तो मैं एक हजरत बंदा नमाज का वाकया सुनाकर गुफ्तगू को समेट लेता हूँ, हुजूर इजाजत है। दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم। 11 तक पहुंचने 7 बाकी हैं, 11 तक पहुंचने अभी मेरे टाइम देखा 7 मिनट बाकी हैं, 7 रहा तो 11 तक जरूर पहुंचेंगे, 7 रहा तो 11 तक तुमको भी मिला देगा वो पल में, तुमको भी मिला देगा वो पल में, उससे मिलो तुमको भी मिला देगा वो। वो चिल्ला करते बैठो, भूखे मरो, समय रोजे पे रोजे रखो, जो 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 करना है करो आप, ठीक है, मगर मिलता नहीं, मिलता उसी वक्त है मिले वाले के पीछे जाना। शरीयत सीखना हो मौली साहब के पास जाओ, इमाम साहब के पास जाओ, शरीयत सीखना हो
खुदा की खुर्बत अगर चाहना हो तो पीरे कामिल के पास जाओ। मौलवी हरगिज ना शुद्ध मौलाए रूम तागुला में शम्स तबरे जी न शुद्ध। मौलवी मौलवी था भाई, क्या भी नहीं था, मौलवी मौलवी ही था। गुलाम हो गया, मुरीद हो गया, तो शान ये हो गई, अब मौलवी ने रूम का मौला हो गया। मैं तो बोल रहा हूं ना, कयामत तक के लिए वो मौला हो गए। क्या रोम, क्या पेरिस, क्या उनका इलाका ना, जहां जहां उनका चर्चा होगा वो मौला है। हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बात खत्म की तरफ आइए। एक वाकया है, बहुत कम किताबों में पढ़ने को मिलता है। अहले इल्म हजरात आप तवज्जो से सुनिए, ये वाकया शायद आपके इल्म में हो या ना हो, मैं फिर भी सुना देता हूँ। बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, क्योंकि हजरत बंदा नमाज ने इस वाकये को लिखा है। मेराज की रात है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मेराज वापस आ रहे हैं। तो आप लोग खाली मेराज का नमाजों का सुन लिए हैं, नमाजा मिले, रोजा मिले, मगर बंदा नमाज ने कुछ और भी लिखा है। जन्नत में रसूलुल्लाह की नजर एक बड़े संदूक पर पड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अलैहिस्सलाम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जिब्रील इसमें क्या है, कहा या रसूलुल्लाह मुझे नहीं मालूम, कहा मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ताला की जानिब से जिब्रील, तुम नहीं जानते क्या है, मगर हम तो जानते हैं उसके अंदर क्या है, जरा खोलो उसे, संदूक को खोलो। खोला गया तो उसके अंदर और एक संदूक था, फिर उसको खोला गया, उसके अंदर फिर एक संदूक था, फिर खोला गया, उसके अंदर फिर एक संदूक था। पाए दर पाए कितने संदूक थे अंदर, कितने थे, सात संदूक। सातवां संदूक जब खोला गया तो अंदर ये जो पहन के बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, खिरकाए मुबारक, क्या बोलते हैं, जुब्बाए मुबारक, खिरकाए मुबारक। सातवां संदूक जब खोला गया तो संदूक के अंदर क्या था, जुब्बाए मुबारक, खिरकाए मुबारक। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो तोहफतन पेश फरमाया। मालूम थी बात आपको, बोलिए मालूम थी बात आपको, है? ये बंदा नमाज का फैजान है, मखदूम अशरफ की निस्बत से आपको सुनने को मिल गई। सातवां संदूक जब खोला गया, जुब्बा मुबारक मिला, उसमें से तोहफा दिया गया, आप लेके आ गए, आप तशरीफ फरमाया रसूलुल्लाह, आ गए मेरा से तशरीफ फरमा है, आपका वक्त आखिर है, साहबा का मजमा बैठा हुआ है, जिनमें से चार खुलफाए राशिदीन करीब बैठे हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर अगर एक खिरकाए मुबारक तुमको दिया जाए, अता कर दिया जाए, तो तुम क्या करोगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह इसकी बरकतों से मैं सिद्दीक का परचम बुलंद करूंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा, ए उमर अगर ये खिरका ये जुब्बा तुमको दिया जाए तो तुम क्या करोगे। सीरे मोहम्मदी हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदा जिंदगी की ये किताब है, उस किताब में वाकया मौजूद है। कहा उमर अगर तुमको अता कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे। कहा या रसूलुल्लाह इसकी बरकतों से मैं अदल इंसाफ का परचम बुलंद करूंगा। हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला से पूछा गया, उस्मान अगर ये तुम्हें अता कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे। हजरत ज़ुन्नूरैन ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसकी बरकतों से इफ़त का परचम बुलंद करूंगा, पाकी का परचम बुलंद करूंगा, सखावत का परचम बुलंद करूंगा। देखिए चलते ही रही बात, चलती रही उम्मत का ख्याल आता रहा, बात चलती रही। कहा मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेरे खुदा
मुश्किल कुशा। बोले अली अगर ये खिरका ये जुब्बा तुमको अता कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तवज्जो, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि आज वो निस्बत लेकर आए हैं जुब्बे की, निस्बत लेकर आए हैं वो जुब्बे की। सिर्फ जुब्बा पहन कर नहीं आए हैं, गौर से देखो अली का खून फातिमा का दूध भी आया हुआ है। गौर से देखो, कहा अली अगर ये जुब्बा तुमको अता कर दिया जाए, सरकार माजरा चाहता हूं, कहा अली अगर तुमको अता कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? अली ने जवाब दिया, मुश्किल कुशा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह मैं इसकी बरकतों से आपकी उम्मत के गुनाहों को छुपाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, एक नारे हैदरी, एक नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। कहा अली तुमने वो जवाब दिया जो हमें सुनना था। अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह ये खिरके की बरकतों से मैं क्या करूंगा? मैं आपकी उम्मत के, अब किसको जरूरत है कि अपने गुनाहों से धुल जाए और गुनाहों से पाक हो जाए? हर एक को जरूरत है। अब जो अपने गुनाहों से धुलना चाहता हो, अपने गुनाहों से हमेशगी की मुक्ति चाहता हो, वो चाहिए कि वो खिरका जिनके यहां है उनके हाथों में अपना हाथ दे। यदुल्लाही फौकायदिहिम, खून दूध अल्लाह के खलीफे जमीन पर, फिर खिरका साथ, ये सब फिर अल्लाह का घर इंशाअल्लाह ताला। याद रख लो एक बात बता रहा हूं मैं, जो मुरीद नहीं बनते हैं, बगैर पीर के जिंदगी गुजारते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो मुरीद नहीं बनेगा उसका खात्मा खराब हो जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, क्या हो जाएगा? खात्मा खराब हो जाएगा। अपने ईमान को बचाओ, अमल करो जो कर सकते हो, शेख के मोहतरम की निगरानी में आगे बढ़ते रहो, मगर अमल पर फखर मत करो कि मैं हाजी बन गया, नमाजी बन गया, चार मस्जिदें बना दिया। नहीं, नाज अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस निस्बत पे नाज करना है। जब आप निस्बत में कायम हो गए हैं तो और एक बात सुन लीजिए, निस्बत से मुखरना नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह फतह में इरशाद फरमाते हैं, उनके हाथों में अल्लाह का हाथ है। आगे मजीद इरशाद फरमाते हैं, और बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपनी बैत से मुखर जाएगा नहीं जाना कहीं भी, एक नारा लगाओ, अशरफुल उलमा का फैजान जिंदाबाद। जो बैत से मुखर जाएगा, मैं अल्लाह के घर में ठहर के बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, पक्की और सच्ची बात बोल रहा हूं, उलमा मौजूद हैं, कान तो जरा चार बातें अच्छा दिखे तो फिसल नहीं जा रहा, मजबूत दामन पकड़ लो। अगर बैत से मुखर जाओगे, अल्लाह ताला का फरमान है, फफाजों से पूछ लो आयत, इन الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه। जो मुखर जाएगा बैत से, बैत तो कर लिया, बोले हजरत मिल रहे नहीं, क्या करना? बोले उन्हों को एक नहीं मिलते, मियां तू थोड़ा पैदा कर, तेरे ख्वाबों में आ जाते, नहीं आए तो जब देखना। बोले जिससे मोहब्बत है, मेरे शेख हजरत मासूम अली शाह कादरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जिससे मोहब्बत है वो ख्वाब में जरूर आता है। आप तड़प के जरा शिजराए मुबारक जो आपको मिलेगा, पाबंदी से उसको तिलावत फरमाइए, पढ़कर थोड़ा सा शेख मोहतरम के तस्वर में सो जाइए,
आपके जिंदगी का जो मसला है वो आएंगे और आपके हक में दुआ फरमाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमा, नफ्स के मकर से महफूज फरमा, सच्ची मुरीदी अता फरमा, नफ्स के मकर से महफूज फरमा, ये दुनियावी मौलवियों चालकों से हमारी हिफाजत फरमा, हमें दीवाना बना तेरे नबी के आल का, हमें दीवाना बना खातून जन्नत की औलाद का, रब्बे कदीर हमें हसन हुसैनी फैजान अता फरमा, हमें खादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी बिलखसूस हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनान रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान अता फरमा। तेरे घर में मौला लाड़ प्यार में कुछ बातें ऊपर नीचे अगर मैं कराऊँ तो तू मुझे माफ़ फरमा। इन प्यारे चेहरों की निस्बत देकर मैं दुआ करता हूँ मौला मेरी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरी अर्श मुहम्मद वाला आलिहि वसहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व